हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सूक्ष्मापी यंत्रों के बारे में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फास्टनर्स के बारे में। फास्टनर को हिंदी में कहते हैं बंधक। जैसा कि कोई भी मशीन है तो काफ़ी सारे पार्टों से, बड़े बड़े और छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बनी होती है। इन पार्टों को जोड़ने के लिए जिस युक्ति का, जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे फास्टनर कहते हैं, और जिस विधि के द्वारा इसे हम जोड़ते हैं उसे फास्टनिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं फास्टनर्स के बारे में। तो फास्टनर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। टेम्परेरी फास्टनर मीन्स जो अस्थायी बंधक होते हैं। दूसरा सेमी परमानेंट मतलब कह लीजिए कि अर्ध अस्थायी। और तीसरा है परमानेंट अस्थायी बंधक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेम्परेरी फास्टनिंग, मतलब अस्थायी बंधक, जो ऐसे फास्टनर्स होते हैं जहां हमें पुर्जों को बार बार खोलने की और जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर हम टेम्परेरी फास्टनिंग का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पुर्जों को हम बार बार खोल सकें और बार बार उन्हें बांध सकें। इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसमें आते हैं की हो गया, नट बोल्ट, स्क्रू, वाशर, कॉटर, पिन, स्टड, ये सभी एग्जाम्पल हैं, ये टेम्परेरी फास्टनर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने नट बोल्ट से पुर्जों को, मशीनों के भागों को जोड़ा हुआ देखा होगा, तो जब आवश्यकता पड़ती है तब खोल लेते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तब उन्हें हम जोड़ देते हैं। ऐसे ही सेम होता है कि स्क्रू वाशर के साथ कॉटर, पिन, स्टड, ये सभी भी टेम्परेरी फास्टनिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए अगर हमें पार्ट को खोलना है तो आपके फास्टनर, मतलब जिससे हम पार्ट को जोड़ रहे हैं, और जो जॉब होता है, वर्क पीस होता है, दोनों आपके सेफ रहते हैं। मतलब खोलने के बाद दोनों में किसी में कोई क्षति नहीं होती है। फास्टनर भी और जॉब भी दोनों आपके सेफ कंडीशन में रहते हैं, दोनों सुरक्षित रहते हैं। तो पूछा जाता है कि की, नट, बोल्ट, ये सब किस प्रकार के फास्टनर हैं, तो कैसे हैं, टेम्परेरी फास्टनर हैं। नेक्स्ट है सेमी परमानेंट फास्टनर। सेमी परमानेंट अर्ध अस्थायी, ऐसे पार्ट जिसको हमें हमेशा ना खोलना हो, हमेशा ना बंद करना हो, बट कुछ कारणवश हमें उसे खोलना पड़ जाए, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं सेमी परमानेंट फास्टनिंग का। इसके अंतर्गत केवल दो आती है, रिवेटिंग और सोल्डरिंग। कई बार एग्जाम में रिवेटिंग के बारे में पूछा जाता है कि रिवेटिंग कैसी फास्टनिंग है, तो अगर आप पुल वगैरह का, ब्रिज वगैरह का एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो एक परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन जो हमारे आईटीआई में या हमारे एंट्रेंस एग्जाम में सही माना जाता है उत्तर, और रिवेटिंग को हम रखते हैं सेमी परमानेंट अर्ध अस्थायी फास्टनिंग के अंतर्गत। तो आप लोग एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, चाहे वो शोल्डरिंग पूछा जाए या रिवेटिंग पूछा जाए, दोनों सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। इसमें अगर मान लीजिए हमें पार्ट को खोलना है तो क्या होगा, हमारा फास्टनर तो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, लेकिन जो जॉब है उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जॉब आपका सेफ बच जाएगा। खराब क्या होगा, केवल फास्टनर खराब होगा। इसके बाद जो तीसरा है परमानेंट फास्टनिंग, अस्थाई बंधक, इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें दो पार्टों को आपस में हमेशा के लिए जोड़ देना होता है, उन्हें अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको जोड़ने के बाद जो फास्टनर होते हैं वो भी उसके जॉब के ही एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, उसी का एक रूप हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा आता है, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। वेल्डिंग और ब्रेजिंग ये किस प्रकार के फास्टनर हैं, परमानेंट फास्टनर हैं। मान लीजिए अगर इन्हें हमें किसी कारणवश अलग करना पड़े तो इसमें आपका फास्टनर और जॉब दोनों के दोनों डैमेज हो जाते हैं, कोई भी सेफ नहीं बचता है। फास्टनर भी आपका खराब हो जाएगा और जॉब भी खराब हो जाएगा। तो ये थे तीन प्रकार के फास्टनर्स। अब इसके बारे में वन बाय वन हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है टेम्परेरी फास्टनर। टेम्परेरी फास्टनर में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है कई सारे हैं, की, नट, बोल्ट, स्क्रू, वाशर, कॉटर, पिन, स्टड। तो वन बाय वन करके हम सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बोल्ट के बारे में। जैसा कि आप बोल्ट, नट बोल्ट का प्रयोग ज़्यादातर करते ही हैं दैनिक जीवन में, तो नट और बोल्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती कि कौन सा हमारा नट होता है और कौन सा बोल्ट होता है। तो बोल्ट क्या है, एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है, जैसे कि इस प्रकार का जो आप देखते हैं बोल्ट होता है, जो छोटा सा गोलाकार टुकड़ा होता है जिसके अंदर थ्रेड होती है, होल होता है, वो आपका क्या होता है, नट होता है। तो बोल्ट क्या है, एक सिलेंड्रिकल गोलाकार रॉड होता है ज-
जिसके एक सिरे पर तो परमानेंट हेड बना होता है और बाकी दूसरे सिरे पर जो शेष भाग होता है उस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है, मतलब बाह्य चूड़ी कटी हुई होती है। एक मान लीजिए अगर ये आपका कोई बोल्ट है तो इस तरफ क्या होगा, हेड बना होगा इस प्रकार से कुछ, और बाकी जो इधर के पार्ट्स होंगे, भाग होंगे, उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल बाहरी थ्रेड कटी हुई होगी। ये जनरली किसके बनाए जाते हैं, सामान्य रूप से ये माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कार्यों के लिए, कुछ विशेष कार्यों के लिए इन्हें हम ब्रास या कॉपर या फिर अलॉय स्टील वगैरह के भी बनाते हैं, बट जो जनरली बोल्ट वगैरह बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील के ही बनाए जाते हैं। अब इसके हेड के आकार के आधार पर कई प्रकार के बोल्ट्स होते हैं, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हेक्सागोनल हेड बोल्ट। हेक्सागोनल जो इसके हेड का आकार होता है किस प्रकार होता है, हेक्सागोन होता है, छह पहलू वाला होता है। इसमें पूछा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जाता है कि इसका हेड कितने डिग्री पर चैम्फर होता है, तो इसका हेड जनरली 30 डिग्री पर चैम्फर होता है। और उस हेड के थिकनेस की बात की जाए, जो हेड है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो उसकी मोटाई 0.75D से 0.8D तक हो सकती है, जहां पर D क्या है, जो हम बोल्ट प्रयोग कर रहे हैं उसका क्या है, नॉमिनल डायमीटर है, जो उसका डायमीटर है उसे हमने यहाँ D से डिनोट किया है। तो हेड की थिकनेस 0.7D से 0.8D तक होती है, कहीं कहीं 3/4D भी लिखा आपको मिल जाता है। ये जो हेक्सागोनल हेड बोल्ट होते हैं सामान्य कार्यों के लिए ज़्यादातर हम इसी का प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्वायर हेड बोल्ट। नाम से ही स्पष्ट है इसके हेड का आकार कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, वर्गाकार होता है। इसके भी हेड की थिकनेस लगभग हेड की मोटाई 0.75D से 0.8D तक होती है। अब स्क्वायर है तो इसका जो नीचे का सैंक होता है, सैंक वाला जो पार्ट होता है वो कितने में होता है, तो 0.7D में होता है। और जो इस पर रेडियस बनी होती है चैम्फर, चूंकि स्क्वायर है तो चैम्फर में होता है रेडियस इसका, तो 7/4D लिखा मिलता है या फिर 1.75D भी लिखा मिल सकता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जनरली कहीं आपका यदि रेक्टेंगुलर आयताकार या फिर वर्गाकार ग्रूव है वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जनरली हम प्लम्बर ब्लॉक में इसका प्रयोग करते हैं, जो आपके बियरिंग में जो शाफ्ट लगाए जाते हैं उस शाफ्ट के साथ हम स्क्वायर हेड बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो पूछा जाता है बियरिंग में शाफ्ट के साथ कौन सा बोल्ट प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है स्क्वायर हेड बोल्ट, या फिर कह लीजिए प्लम्बर ब्लॉक में कौन सा बोल्ट होगा, तो स्क्वायर हेड बोल्ट होगा। नेक्स्ट है कप और राउंड हेड बोल्ट। चाहे कप हेड बोल्ट कहिए या फिर राउंड हेड बोल्ट कहिए, इसके हेड का आकार कैसा होता है, राउंड होता है, गोलाकार होता है। अब गोलाकार है तो इसे जनरली स्पैनर वगैरह से पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसके थोड़ा नीचे क्या करते हैं, फ्लैट हेड बना देते, थोड़ा फ्लैट कर देते हैं, जिससे कि वहां पर हम रेंच वगैरह से इसको पकड़ सकें। अगर फ्लैट नहीं है तो कुछ ऐसे भी बोल्ट होते हैं जिसमें एक स्नग लगी होती है, स्नग एक पिन टाइप की होती है जिससे हम पकड़कर उसको आसानी से घुमा सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि वुड वर्किंग में जो लकड़ी के कार्य होते हैं वहाँ पर कौन सा बोल्ट प्रयोग किया जाता है, तो लकड़ी के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं कप या फिर राउंड हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है टी हेड बोल्ट। इसके हेड का आकार किस शेप का होता है, लगभग टी के शेप जैसा होता है, जो इंग्लिश का टी लेटर होता है उसके कुछ आकार का इसका शेप होता है। इसका प्रयोग हम करते हैं जनरली मशीन के टेबल पर, जो मशीन की टेबल होती है, चाहे आपकी ड्रिल मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, सेपर स्लॉटर, वहाँ पर हम जो क्लैंपिंग डिवाइसेस होती हैं उनको होल्ड करने के लिए या फिर जॉब को होल्ड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं टी हेड बोल्ट का। जैसे आपने ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर देखा होगा वहाँ ग्रूव कटिंग होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं टी हेड बोल्ट को फंसा कर क्लैंपिंग डिवाइसेस को, जो भी वाइस वगैरह होती हैं उसको क्लैंप करते हैं, जिसमें कि हम फर्दर जॉब वगैरह को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है चीज हेड बोल्ट। चीज हेड बोल्ट क्या है, राउंड पिन फिटेड बिलो द हेड। इसके हेड के नीचे एक राउंड पिन फिट होती है जिसके द्वारा इसे खोला या बंद किया जाता है, मतलब टाइट और लूज किया जाता है। इसका प्रयोग हम ऐसे स्थान पर करते हैं, चीज हेड बोल्ट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर स्पाइनर का प्रयोग, जो रिंच होती है उसका उपयोग संभव नहीं होता, स्पैनर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, वहां पर प्रयोग करते हैं चीज हेड बोल्ट।
ये आपके सेंटेंस एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीधा सीधा लिखा होगा कि जहां पर स्पैनर का प्रयोग संभव ना हो वहां पर किस बोल्ट का प्रयोग करेंगे, तो चीज हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आई बोल्ट। आई बोल्ट जो इसका हेड होता है राउंड शेप में होता है, गोलाकार, और जो बीच से वो क्या होता है, खोखला हॉलो होता है। राउंड शेप गोलाकार होगा, बीच में हॉलो खोखला होगा। इसका प्रयोग किया जाता है जनरली वर्कशॉप में, कोई भारी मशीन है, हैवी मशीन है, उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हुक बोल्ट। इसका जो हेड होता है पूर्ण रूप से गोलाकार ना होकर के साइड से थोड़ा कटिंग किया हुआ होता है, तो कह सकते हैं ये हुक के आकार का होता है। और इसके नीचे चूंकि ये पूर्ण रूप से राउंड नहीं है तो ऐसा कटिंग किया हुआ है, तो जल्दी खोलने के लिए बंद करने के लिए स्पैनर वगैरह सही से नहीं पकड़ पाएंगे, तो इसके लिए उसके नीचे एक स्क्वायर नेक बनी हुई होती है हेड के नीचे, जिससे कि आसानी से इसको घुमाया जा सकता है। इसका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जनरली मशीन्स को उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हुक बोल्ट है और आई बोल्ट है दोनों जनरली मशीन्स को लिफ्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पर जो आई बोल्ट है ये हैवी मशीन्स को और ये जनरल मशीन्स को लिफ्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है काउंटर शंक बोल्ट। ये भी काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका हेड कैसा होता है, थोड़ा टेपर हेड होता है, टेपर के आकार में होता है। इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें जो हेड की ऊंचाई है, जो हमारा जाब फ्लैट सरफेस है उससे कुछ नीचे रखना है, उस जो सरफेस है फ्लैट है उसके ऊपर हेड की ऊंचाई नहीं जानी चाहिए, जो फ्लैट सरफेस है उसके नीचे हेड रखना है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं काउंटर शंक बोल्ट। तो हमें समतल लेवल में रखना है, शुड बी बिलो फ्लैट सरफेस ऑफ पार्ट, जो भी पार्ट की फ्लैट सरफेस है उसके नीचे हेड को रखना है, उसके लेवल में रखना है, तो प्रयोग करते हैं काउंटर शंक बोल्ट का। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेपर हेड बोल्ट, या इसी को हम हेडलेस बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली इसका हेड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में आयताकार होता है, बाकी इसका जो शैंक वाला पार्ट होता है वो टेपर में बना होता है। कितने टेपर में, 3/8 इंच पर फुट। अगर 1 फुट शैंक की लंबाई है तो उसमें 3/8 इंच टेपर होगा। तो इसका शैंक कैसा होता है, टेपर होता है, और हेड आपका कह सकते हैं रेक्टेंगुलर में होता है, या इसे हम हेडलेस भी कह सकते हैं, कभी कभी हेडलेस के नाम से भी इसे दे दिया जाता है एग्जाम में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं उसके कपलिंग में प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं मैरीन शाफ्ट कपलिंग। समुद्री जहाज होते हैं उसके कपलिंग में हम प्रयोग करते हैं कौन से बोल्ट का, तो टेपर हेड बोल्ट या हेडलेस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। शैंक कितने में टेपर होता है, तो 3/8 इंच पर फीट में टेपर होता है। इसके बाद आता है फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका प्रयोग हम करते हैं कोई भी मशीन है, मशीन के फाउंडेशन में, जब मशीनों को हम फर्स्ट पर स्थापित कर रहे होते, लगा रहे होते, तो उसके फाउंडेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर सके, मशीन को एक स्टेशनरी पोजिशन में, एक स्थिर अवस्था, निश्चित अवस्था में पकड़े रह सके। तो मशीन के फाउंडेशन में इसका प्रयोग किया जाता है मशीनों को जकड़ने के लिए। ये भी उपयोग के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला लेविस बोल्ट। लेविस बोल्ट क्या है, ये एक साइड से टेपर होता है, मतलब एक साइड से क्या होगा, टेपर होगा, और दूसरे साइड से इसमें क्या होती है, एक की फिट की हुई होती है, एक की जिसे हम चाबी कहते हैं। फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन सी की फिट की जाती है। तो लेविस बोल्ट क्या है, एक साइड से टेपर होता है और दूसरे साइड में, दूसरे साइड से इसके साथ की को फिट किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसमें की क्यों फिट करते हैं, क्योंकि जब भी कभी हमें इस बोल्ट को क्या करना हो, रिमूव करना हो, तो बहुत आसानी होती है, हम बिना फाउंडेशन को तोड़े हुए इस बोल्ट को रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम इसके की को बाहर खींच लेते हैं, जिससे कि उसमें हमें खाली प्लेस थोड़ा सा मिल जाता है। तो की जो होती है टेपर शेप में बनी होती है, उसको निकालना थोड़ा ईजी होता है। इसके बाद ये बोल्ट आसानी से निकल जाता है। पूछा जा सकता है यदि हमें फाउंडेशन को बिना तोड़े हुए बोल्ट को निकालना है तो कौन सा बोल्ट होता है, वो तो होता है लेविस बोल्ट। एक साइड में टेपर, दूसरे साइड में की के साथ फिट किया जाता है। नेक्स्ट है रैक बोल्ट। ये कई सारे विभिन्न प्रकार के जो कोनिकल शेप होते हैं, कुछ इस प्रकार ऐसे ऐसे करके इस प्रकार के कुछ शेप्स में पाया जाता है।
कॉनिकल स्टेप में पाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम कोई भी हैवी मशीन से है उसको टाइट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी जो ग्राउंडिंग होती है मतलब जो हम इसको भरते हैं इसके फाउंडेशन को, उसमें जनरली सीमेंट और सैंड का प्रयोग किया जाता है जो कि 50:50 के रेशियो में होते हैं। अगर कहीं 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 पर कुछ स्पेशल पर्पज के लिए जो इसमें होल्स वगैरह होते हैं अगर वो खाली रह जाते हैं तो उनको भरने के लिए लेड और सल्फर का भी प्रयोग किया जाता है। जब भी पूछा जाता है लेड और सल्फर का प्रयोग क्यों किया जाता है तो जो होल्स कुछ पिघलने के बाद जो खाली बच जाते हैं उसको भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वार्टर बोल्ट। ये एक स्पेशल टाइप का बोल्ट होता है, इसमें जो क्वार्टर्स लगे होते हैं उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आई बोल्ट। ये कुछ आई के शेप में आई बोल्ट के जैसा ही होता है। ये जनरली माइल्ड स्टील या फिर जो अदर स्टील्स हैं उसके राड को फोर्ज करके फोर्जिंग के द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रयोग हम करते हैं जो भी आपके हैवी मशीन्स वगैरह होती हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसका प्रयोग हम करते हैं जो हैवी मशीन्स वगैरह होती हैं उसको फाउंडेशन में एकदम रूप से काफ़ी ताकत के साथ पकड़े रखने के लिए, जिससे कि उसमें कोई वाइब्रेशन वगैरह ना हो। इसके भी जो फाउंडेशन होते हैं उसमें हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं उसके ग्राउंडिंग को भरने के लिए। तो कुछ फाउंडेशन बोल्ट थे, इसकी चर्चा हम आगे की क्लासेस में भी करेंगे। तो बेसिकली कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो बोल्ट के ऊपर था। तो आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी, तो कुछ समझ में नहीं आती तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को प्यूज करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अगली टॉपिक के साथ जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बोल्ट के बाद नट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव ए बेस्ट डे, गुड लक।